यो सो गाइस, कैसे सभी लोग। और आज की वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं ये माउस और ये कीबोर्ड को वायरलेस है और एक ही चिप से चलती, जो बहुत खतरनाक बात है। मॉडल नंबर आप देख सकते हैं, कंपनी आप देख सकते हैं। तो गाइस, आज हम टेस्ट करने वाले इससे माइनक्राफ्ट। तो चलिए देखते हैं माइनक्राफ्ट इससे कैसे चलने वाली है। मैंने कैमरा सेट कर लिया है, थोड़ा सा साइड में ऐसे मैं मोड़ देता हूँ, आराम से मोड़ देंगे नहीं तो गिर जाएगा। तो गाइस, अनबॉक्सिंग क्या, ये मैंने पहले एक बार खोल लिया था क्योंकि डब्बे की टेप खुली वाली थी। तो सबसे पहले देखेंगे हम माउस। माउस आपको हमारे को यहाँ पे साइड में इस साइड पे देखने को मिलता है। तो माउस एकदम प्यारा है, फोकस होता है यार। तो गाइस, माउस देख सकते हो कितना तो खतरनाक है भाई। तो चलो, इसके अंदर बैटरीज देख सकते हैं, यहाँ पे ट्रिपल है, यहाँ पे दो बैटरीज लगेगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रही हमारी वो ये रही चिप, ऐसी है। इसको रखते साइड में, तो ठीक है। अभी इसके सामने आप आवाज है, पर इस माउस में जो ये है ना, ये थोड़ा सा टाइट देखने बोला। अगर बात करें गेमिंग के लिए तो ये अच्छा भी है, पर माइनक्राफ्ट में इतनी इसकी ज़रूरत नहीं क्योंकि कीबोर्ड का ज़्यादा इसे। अभी इसको करते हैं साइड में, तो अभी चलते हैं इसकी तरफ। सबसे पहले तो मैं इस डब्बे को गायब करता हूँ। तो इस डब्बा गायब हो गया। तो कीबोर्ड की बात करें ना, कीबोर्ड भी एकदम मस्त है। और बैटरी जब भी बैटरी ख़त्म होगी, ये बैटरी के साइड में लेड लाइट ब्लिंक करेगी और पता लग जाएगा। ये यहाँ पे देख सकते हैं, ऑलमोस्ट सारे की है। और इसका ये मेरे को लग रहा है थोड़ा सा ढीला है। बाकी आवाज़ की टेस्ट करें तो एकदम मस्त है। इतना खतरनाक लग रहा है मेरे को कीबोर्ड भी, मतलब गेमिंग के लेवल तक का तो, मतलब ऐसा है कि काम करने लायक तो है। तो चलो इसके पीछे देखें। पीछे यहाँ पे मिलता है सिंगल डबल ए बैटरी डालने का। और यहाँ पे भाई जे भी बोलो, यहाँ पे स्टैंड भी है, दूसरी साइड में भी है। तो गाइस, अभी मैं दोनों के अंदर, सबके अंदर डाल देता हूँ। मैंने अभी सेल नहीं, मैं सेल लेके आता हूँ। पहले कैमरा का एंगल ख़राब हो गया, सेल लेके आ रहे टाइम में मैं कैमरा का एंगल सही कर देता हूँ। कैमरे के एंगल की बात करके अभी हो चुका है सही। तो ये देख सकते हैं दो सैंपल, मैंने इसकी अनबॉक्सिंग पहले कर दिया। अभी सबसे पहले यहाँ जाते हैं और यहाँ जाकर इसके अंदर इसको डाल देते हैं। एक बार देख लेते हैं, कीबोर्ड का प्रूफ आपको दिखा देता हूँ। कहाँ पर ये देखिए, देख सकते हैं यहाँ पर लाल लाइट ब्लिंक हो गई, यानी कि ये सक्सेसफुल कीबोर्ड अपना चल चुका है। इसमें बैटरी जा चुकी है, अच्छे से चल रहा है। अभी इसको यहाँ पर ऐसे रख देते हैं और इसको माइनक्राफ्ट खेलने वाले हैं अपन। मेरे पे भाई इतना तगड़ा पीसी नहीं इसको चलाने के, पर ये है ठीक है USB। इसको अपन माउस और इसको एक के अंदर ही डाल देंगे ना, तो भाई ये चल जाएगा। ये ऐसे डल गया। अभी फ़ोन के अंदर कनेक्ट करूँगा ना, तो मैं माउस में सेल डाल के सीधा मिलता हूँ फ़ोन की स्क्रीन पे गाइस। तो देख सकते हैं गाइस, मैंने माइनक्राफ्ट का भी लिया वाला एकदम मस्त वाला लेटेस्ट वर्जन। माउस एकदम मस्त वाला काम कर रहा है। तो गाइस, एक तो मेरा फ़ोन भी कभी कभी बीच बीच में लैग मारता है, और ये मेरा नाम देख सकते हैं, मेरी माइनक्राफ्ट आइडी है Pannu1313O OP। ये 1. सबसे लेटेस्ट वर्जन 1.20 है, लेटेस्ट बोल सकते हैं क्योंकि आया ही अभी है। तो गाइस, अभी मैं आपको मेरा सर्वाइवल वर्ल्ड में दिखाने वाला इसके गेम प्ले। तो गाइस, सर्वाइवल वर्ल्ड के अंदर मैं बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी, तो मैंने आधी वीडियो काटने वाला बीच बीच में से। कीबोर्ड का टेस्ट मैंने नहीं किया भाई, कीबोर्ड हाँ ये रहा मेरा। अरे भाई पूरा ओ W में दो एक बार दबाया, यहाँ पे बैटरी वाली जगह पे लाल लाइट है जैसे आपको बताया था, उसके चलने लग गया भाई। मेरे को ना ऐसा नहीं कि मैंने नहीं खेला, जो मेरा लैपटॉप है उसमें खेला, तो उसमें इतना भी
इतना ज़्यादा इजी है पर अरे मैंने इसको खेलने वाला मेरे को इजी लगती है। मतलब ये कि मेरे लैपटॉप में भी माइनक्राफ्ट है पर वो किस में था अच्छे से नाम याद नहीं आया। कुछ तो भी जो भी है फ्री में माइनक्राफ्ट मेरे भाई ने डाउनलोड करके दी थी। मैं खेला पर लैग बहुत मारता था पर तो भी मेरे को तो लैपटॉप उसके कंट्रोल्स तो मालूम है। नंबर से अपन खा सकते हैं भाई जो भी बोल। मेरे को खेलना आता है पीसी की बात करें ना खेलना आता है पीसी वैसे में। और भाई देख सकते हैं यहाँ पे तो हुआ है। हाँ मैंने आज दोपहर को यहाँ पर डर्ट माइन करी थी। मेरे को ब्लीजर आउटपोस्ट को जो लूटना है गाइस गाइस देख सकते थे। और सबसे पहले तो मैं गेमिंग की और रिव्यू की वीडियो। ओ नो भाई शेट भाई जो भी पर थोड़ा सा काम इजी हो गया। इस समय क्यों बोल रहा हूँ तो आपको पता लग जाएगा। तो मेरे को डर्ट माइन करनी थी। डर्ट माइन करके मैं ब्रिजिंग एक तो भाई क्रीपर की वजह से भाई जो भी है पहले डर्ट्स जितनी भी है ना जगह जगह पे वो सारी कलेक्ट कर लेता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ कि ये जगह को मैं ऐसे भर दूंगा। नहीं 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 अरे भाई सीढ़ी तोड़ गया चला गया क्रीपर। मैंने इतना छोटा सा बंकर टाइप जो बोला जो वो बनाया। मेरे को बंदा यहाँ से आएगा यहाँ से सीधा अंदर तो यानी मेरे को इसके ऊपर ऊपर ढकना है। तो कॉबल स्टोन से भी इतना तो मैं ढक नहीं पाऊँगा। टेम्पलरी मैं ढकने के लिए ट्राई करता हूँ। तो टेम्पलरी में इसमें क्या ये वाली डॉट यूज़ कर दो। अभी 64 स्टैक है मेरे पे तो। और एक काम करता हूँ अभी मैं इससे ही ढक देता हूँ। मेरे को इतने अच्छे से खेलना नहीं आ रहा इसमें पता नहीं क्यों बस नहीं आ रहा इतना पता है। तो गाइस मैंने अपना घर को तो ढक दिया है। खड्डे को भी मैं बाद में भटूंगा। तो मैं ये सर्वाइवेबल नहीं खोलूँगा। मैं अभी इसको न्यू सर्वाइवेबल खोलने वाला हूँ। ये तो मेरा टेम्पररी सर्वाइवल वर्ल्ड है इसमें एक दिन वाला क्रिएटिव में गया हूँ। ये लेटेस्ट वर्जन 1.20 है। तो सबसे पहले जितनी जल्दी मैं यहाँ पर डर्ट माइन कर सकता तब कर लेता हूँ। क्राउच का क्या है पता नहीं। मैं एक बार ना क्राउच का बटन जान के आता हूँ। इस बटन जान लिया है ये पता नहीं ऐसे क्राउच होता है। और भागने का बटन भी देख के आ गया जो बहुत अच्छी है। कंट्रोल को दबाना है डब्ल्यू के साथ भागेंगे। जंप का तो भाई एक ही बटन है जो मुझे अभी तक याद है। पता नहीं बहुत टाइम हो गया मैं अभी तक लैपटॉप में नहीं खेला। जो भी बोलो ऑर्डर आया था अपना ये वाला कीबोर्ड माउस का कल तो अभी तक तो भाई मेरे को भाई इतने अच्छे से कंट्रोल करने नहीं आ रहा। तो मैं जितनी टॉप माइन कर सकता कर लेता हूँ। भाई क्या किस्मत है यार किस्मत गंदी है मतलब क्या किस्मत। अरे 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 डबल जंप हो जाता है। तो गाइस अभी जितना ज़्यादा माइन डर तोड़ सकते तोड़ लेते हो और निकलते। मैं वीडियो थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। उस साइड का भी इस साइड आके मस्त यहाँ पे ऐसे चेक करके आ रहा है। वैसे इनका गेम की यही काम है। इनका भाई एक बात बोलूँ ना माइकल पर नक्कल बहुत कम दी डैमेज। भाई अभी जो भी हो जाए मेरे को यहाँ पर से बहुत कठिन काम करना पड़ेगा। तो गाइस मैं काम करता हूँ मैं इनको मार के
आप सभी एक मजा में पा रहे हैं। वाह, इतनी मुश्किल से पहले मैं रख के आया खाना। यहाँ कोई ऐसा है कि यहाँ कोई स्पॉन नहीं है भाई, यहाँ पे स्पॉन तो नहीं होंगे ना भाई ऐसे विलेजर। विलेजर भाई अब भी खोलते भाई, लूट देते। चलो भाई वो ठीक है, ये भी ठीक है, वीट भी अच्छी है, वीट से अपन ब्रेड ले सकते हैं। अगर भाई कैरेट तो अच्छी हो भाई, कैरेट 5 मिल गई है जो बहुत अच्छी बात है। और पटाटो भाई एक पूरी बनी हुई, एक खतरनाक भाई। मैं काम करता हूँ, मैं ना यहाँ पे एक चेस्ट भी साथ में ले जाता हूँ भाई, ऐसे ही हूँ मैं तो। चेस्ट लेके ना सीधा ऊपर चढ़ जा रहा हूँ अभी मैं, कहाँ से जाऊँ पता नहीं, कहाँ पर से जाना है। यहाँ से सीधा ऊपर चले जाऊँगा मैं तो बोल रहा हूँ। तो ये हो गया गाइस, ये तो एंट्रो बोल रहा हूँ भाई। तो गाइस कीबोर्ड और माउस मेरे को तो बहुत बढ़िया लगा, और अगर आप खरीदना चाहते हो तो मैं अपनी तरफ से बोलूँगा हाँ खरीद सकते हैं। अगर आपको पीसी के खरीदना है फॉर गेमिंग, तो आप गेमिंग के भी बहुत ख़तरनाक ले सकते हैं, पर वायरलेस मैं तो बोलूँगा गेमिंग के लिए वायरलेस मिल लो। पर अगर आप फ़ोन में खेलना चाहते हो तो भाई, अगर आप मिडिल क्लास से हो तो भाई ये कीबोर्ड और माउस आपके लिए बना है। ओनली एंड ओनली 700, और 700 नहीं 649 रुपीज़ का मैंने ये को पड़ा। और फ्री डिलीवरी अमेजोन से लेना पड़ेगा भाई, फ्री डिलीवरी तो भाई अमेजोन देते ही देते हैं। माउस जो भी बोले एक नंबर है, मेरा फ़ोन एक नंबर का टट्टी है। तो गाइस मिलता हूँ अगली वीडियो में ऐसी, और अगली वीडियो बनने वाली है सर्वाइवल की। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और अगर आपको ये वीडियो चैनल अगर अगली की देखनी आपको सर्वाइवल सीरीज़, तो गाइस सर्वाइवल सीरीज़ देखने के लिए जाना कुछ नहीं, सब्सक्राइब कर लो। ओ भाई दिन भी होने लग गया, ओ भाई क्या तो खतरनाक है भाई है। तो गाइस मिलते हैं आपसे ऐसे ही अगली वीडियो में, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। टेक केयर, टेक होम एंड पीस।